हेलो लर्नर्स, आज हम जानेंगे एमएसएमईज के बारे में। क्या होती है ये एमएसएमईज, किस तरह से ये इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो ये एमएसएमईज फेस करती है, और गवर्नमेंट किस तरह की स्कीम्स, किस तरह के बेनिफिट इस सेक्टर को दे रही है इनको प्रमोट करने के लिए। तो जो एमएसएमई वर्ड है, दैट स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग इसको, इन एंटरप्राइजेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले जो एंटरप्राइजेस जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में लेस देन 1 करोड़ होती है और जिनका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ होता है, उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा गया है। देन वो एंटरप्राइजेज जिनमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ और जिनका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ होता है, उनको स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखा गया है। वैसी एंटरप्राइजेज जिसमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 करोड़ और टर्नओवर जो है वो लेस देन 250 करोड़ है, उन एंटरप्राइजेज को मीडियम एंटरप्राइजेस कहा गया है। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो टर्नओवर है इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर को काउंट नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये प्रोविजन इसलिए देती है ताकि जो एंटरप्राइजेज है, जो ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर इनका इंक्रीज कर जाए तो इनको किसी तरह का कोई डर नहीं रहे कि अगर एक्सपोर्ट इनका ज़्यादा हो जाता है तो ये एमएसएमई कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे और जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट देती है इन एमएसएमईज को, वो इनको इनको नहीं मिल पाएंगे। इस टर्नओवर में जो ये जो टर्नओवर की लिमिट मैंने आपको बताई है, इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर को काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एमएसएमईज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब हम देखते हैं कि ये एमएसएमईज जो है इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है। एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करें तो ये सेक्टर जो है, दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 11 करोड़ पर्सन इन इंडिया। 11 करोड़ लोगों को ये जो सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एमएसएमई अप्रॉक्सीमेटली 30% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें जो 6% है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 24% जो है वो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा एमएसएमई मिनिस्ट्री हैज सेट अ टारगेट टू अप इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी टू 50% बाय 2025। तो टारगेट है 2025 तक 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एमएसएमईज। तो इंडिया हैज अप्रॉक्सीमेटली 6.3 करोड़ एमएसएमईज। देयर आर मोर देन 6,000 प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू हाईटेक आइटम्स विच आर बींग मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन एमएसएमईज। एक्सपोर्ट में 45% जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो एमएसएमईज में उनका कंट्रीब्यूशन है, एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन है। देन इंक्लूसिव ग्रोथ। सो एमएसएमईज जो है, दैट प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, स्पेशली टू पीपल बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो एमएसएमईज जो है इंडिया की ग्रोथ में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज रिक्वायर लो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट, प्रमोट इनोवेशन। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, बूस्टिंग बिजनेस कॉम्पिटिशन एंड फ्यूल्स ग्रोथ। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, उनको भी प्रमोट किया जाता है अंडर दिस सेक्टर। सो ये था एमएसएमईज की कंट्रीब्यूशन इंडिया, इंडियन इकॉनमी में एमएसएमईज किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, किस तरह से जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में, ग्रोथ में जो एमएसएमईज है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो और चैलेंजेस है जो ये एमएसएमईज फेस करती है। क्या क्या है वो प्रॉब्लम्स, क्या क्या है वो चैलेंजेस, उनको उनको देखते हैं हम। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इश्यूज़। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ये एमएसएमईज जो है वो फेस करती है। तकरीबन जो 16% एमएसएमईज है वही टाइमली जो है वो फाइनेंस एक्सेस कर पाती है। बाकी जो एमएसएमईज है उनको अपने खुद के रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन लेते हैं या इसके अलावा उनको मनी लेंडर्स से लोन लेना पड़ता है एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनको लोन नहीं मिलने का कारण ये है कि जो बैंक
बैंकिंग सेक्टर है जनरली वो एमएसएमई सेक्टर को सबसे रिस्की सेक्टर मानता है, क्योंकि छोटे लेवल के ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो इनके पास कोलेट्रल गिरवी रखने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है लोन लेने के लिए, तो इसलिए बैंक्स जो है अवॉइड करते हैं इनको लोन देने से। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं दैट इज़ ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि फाइनेंस नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो जनरली जो ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है ये लोकल रॉ मटेरियल, जो लो क्वालिटी का लोकल रॉ मटेरियल है उसको परचेज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी, स्मॉल से स्केल पे ये जो एमएसएमईज हैं ये ऑपरेट करती है, लो मार्जिन्स होते हैं, तो इसलिए कंपैरेटिवली जो लार्जर फर्म्स हैं उनके कंपैरेटिवली इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है। देन टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय एमएसएमई स्टिल डेट। द एमएसएमईज इन इंडिया लैक अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड आर ऑफन अनअवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द ग्लोबल मार्केट। समटाइम्स दे लैक मैनेजीरियल स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एजुकेशन टू रन अ कॉम्पिटेंट एमएसएमई। दिस चैलेंज इज मोस्ट प्रेवलेंट इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ बिलीव दैट टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एमएसएमईज बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन इट फेसिस फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। देयरफॉर एमएसएमईज मस्ट लुक इन टू दिस मैटर वेरी सीरियसली। सो जो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है ये जो है सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ये एमएसएमईज जो है वो फेस करती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। एमएसएमईज जो है वो फर्स्ट डे से ही कॉम्पिटिशन फेस करती है, बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ चुकी है, इसके अलावा ई कॉमर्स काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो दे ऐड मोर कॉम्पिटिशन फॉर द एमएसएमईज। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। सो व्हेन इट कम्स टू स्किल्स इंडियन एमएसएमईज आर फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स इन अदर कंट्रीज बिकॉज दे डिपेंड हैविली ऑन द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स हु आर नॉट पेड वेल एंड लैक द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। सो जो लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर है ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एमएसएमईज के लिए। इस नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑफ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मजोरिटी ऑफ इंडियन एमएसएमईज लैक प्रोफेशनलिज्म डिस्पाइट बींग वाइटल फॉर लार्जर इंडस्ट्रीज ग्रोथ। एज ए रिजल्ट दे आर हाईली प्रोन टू करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर विच हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर बिजनेस। तो प्रोफेशनलिज्म का नहीं होना भी जो एक आप कह सकते हो प्रॉब्लम है इंडियन एमएसएमईज के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस विच दीज एमएसएमईज सेक्टर आर फेसिंग। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई। अब हम देखते हैं कि क्या बेनिफिट है अगर कोई एंटरप्राइज, कोई सोल प्रोप्राइटर, कोई कॉरपोरेट, कोई कंपनी अपने आप को एमएसएमई रजिस्टर कराती है अंडर एमएसएमई एक्ट, तो क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या स्कीम्स जो है वो अवेल करती है। सो फर्स्ट वन इज़ एमएसएमई एंटरप्राइजेज कैन गेट फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक्स विदाउट कोलेट्रल रिक्वायरमेंट। तो अगर कोई एंटरप्राइज अपने आप को एमएसएमई रजिस्टर कराता है तो उसको बैंक से लोन विदाउट एनी कोलेट्रल जो है वो आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसके अंडर कोलेट्रल फ्री जो है लोन दिया जाता है इन एमएसएमईज को। सेकंड वन इज सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जिनको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देती है, प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज देती है। देन रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाई एमएसएमईज ओनली। कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको एक्सक्लूसिवली एमएसएमईज की प्रोडक्शन के लिए ही रिजर्व किया गया है, एमएसएमईज ही उनको प्रोड्यूस कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है। देन कंसेशन सबवेंशंस ऑन बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक सर्विसिंग एंड डेट सर्विसिंग। जो बैंक लोन पे इंटरेस्ट होता है उनमें कंसेशन मिलता है। इसके अलावा जो फंडिंग है वो एमएसएमईज को आसानी से मिल जाती है। देन प्रेफरेंस इन प्रोक्योरिंग गवर्नमेंट टेंडर्स। गवर्नमेंट टेंडर्स को प्रोक्योर करने में इन एमएसएमईज को प्रेफरेंस दी जाती है। देन सिक्स वन इज बिजनेस ओनर कैन अवेल ऑफ ऑक्ट्रॉय एंड टैक्स कंसेशन इन स्टेट लॉज एज एप्लीकेबल। सो ऑक्ट्रॉय और टैक्स कंसेशन भी एमएसएमईज जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। देन कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन मिलती है। रिड्यूस फीस फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जो अगर कोई एमएसएमई कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराता है तो उससे कंपैरेटिवली कम फीस चार्ज की जाती है।
टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स विद बायर्स थ्रू कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। अगर बायर्स के साथ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको टाइमली जो है वो सॉल्व किया जाता है। देन टेंथ वन इज रिम्बर्समेंट ऑफ ISO सर्टिफिकेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई MSME अपने ISO सर्टिफिकेट लेता है तो जो भी एक्सपेंसेस बियर किए हैं उसने इस सर्टिफिकेशन के लिए, वो उसको रिम्बर्स हो जाते हैं। ISO एक जो सर्टिफिकेशन होता है वो क्वालिटी का एक सर्टिफिकेट होता है। तो गवर्नमेंट ये रिम्बर्समेंट इसलिए करती है सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो MSMEs जो है वो ये सर्टिफिकेशन ले, क्योंकि ये क्वालिटी का सर्टिफिकेट है और फर्दर ये जो एक्सपोर्ट करने में, गुड्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी इन पे एक्सपेंसिस होते हैं ISO सर्टिफिकेशन लेने में, उनका इन MSMEs को रिम्बर्समेंट हो जाता है। देन स्पेशल कंसिड्रेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स। जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं उनमें इन MSMEs को स्पेशली कंसिडर किया जाता है। देन फैसिलिटीज़ फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इंडस्ट्री। अगर कोई जब भी कोई कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें गवर्नमेंट अंडर वेरियस स्कीम्स इन MSMEs को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। डिलेड पेमेंट्स के अगेंस्ट भी इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। बायर्स के लिए ये रिक्वायर्ड है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे। अगर कोई बायर जो है वो 45 दिन तक भी पेमेंट नहीं करता तो जितना भी पेमेंट है उस पर उसको इंटरेस्ट चार्ज इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एज MSME। अगर कोई एंटरप्राइज अपने आप को MSME रजिस्टर कराता है अंडर MSME एक्ट, तो इस तरह के ये जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हैं। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।